भाई अब हमें एक्शन के अंदर एक्शन चाहिए, वो भी फुल स्वैग के साथ एकदम तबाही वाला। जब तक बॉडी खड़ा है तब तक लड़ेंगे। तो आज की वीडियो भाई ऐसे ही 10 तबाही से भरी एक्शन मूवी का पार्ट 5 लाए हैं, जिसमें खुशी की बात है बोनस मूवीज भी होंगी। और इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो उसे भी जरूर देखिएगा, सिर्फ उसमें भी तबाही होगी। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नंबर 7 की मूवी थोड़ी लो बजट की जरूर है, पर ये बुढ़िया खतरनाक है। अपने पे आ गई तो भाई एक एक को फोड़ डालेगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की एक्शन थ्रिलर के साथ लव स्टोरी। भाई हमारे लीड एक्ट्रेस एक सुनसान सी आइलैंड में रहती है, उनकी छोटी सी बच्ची किडनैप हो जाती है। इस घने जंगल में ऊपर से बारिश अपनी बेटी को ढूंढकर वापस लाना है, जिसमें उनका साथ देती है एक मिस्टीरियस बुढ़िया, जिसके पीछे छिपी है भाई कई सीक्रेट। ऐसी मिस्टीरियस औरत बहुत खतरनाक होती है। यार आखिर ये मिस्टीरियस बुढ़िया इनकी मदद क्यों करती है, इनके सीक्रेट क्या है, ये जानने के लिए भाई आप इस मूवी को देखो। मूवी की सबसे बड़ी बात भाई वो बुढ़िया, इस उम्र में भी उन्होंने क्या एक्टिंग किया है, वो एकदम खतरनाक। एक माँ अपनी बेटी को कैसे बचाती है और एक माँ अपने बेटे का बलिदान कैसे देती है, ये दोनों देखने को मिलेंगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी भाई, जिस मूवी में पगला जेसन स्टैथम हो तो एक्शन एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलेंगे, पूछो मत, देखने में मजा आता है। 21 की एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ वर्थ ऑफ मैन। मूवी की स्टोरी जनरली फोकस्ड भाई एक ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनी पे है जो ट्रक से भरे पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है। हमारे हीरो उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, पर भाई वो इंसान है खतरनाक, जिसके पीछे भाई छिपी है कुछ गहरी बात, एक एक से बदला लेगा, जो देखने में मजा बहुत आएगा। और रिवेंज वाला एक्शन होना तो भाई पूछो मत 100% सेटिस्फाई करेगी। और नो डाउट भाई एक्शन सीन थोड़ी कमी है, पर जितनी है खतरनाक है। और इसके ट्विस्ट आपको इमोशनली बांधे रखती है। जेसन स्टैथम की वो साइलेंट एटीट्यूड गजब की भाई, ऐसी मूवी को एक्सपीरियंस करो। बस फर्स्ट हाफ में थोड़ी सब्र रखना, जेसन स्टैथम की एक्शन सीन आपको पसंद जरूर आएगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1, जिस मूवी में जैकी चैन हो और मूवी एक्शन सीन पे बेस्ड हो तो भाई बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। ये मूवी आपको जैकी चैन और उनके टीम की एक्शन सीन आपको सेटिस्फाई जरूर करेगी। हम बात करें 2020 की एक्शन एडवेंचर के साथ वैंगार्ड। वैंगार्ड एक ऐसी प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, जहां क्वीन की बेटी को बचाना है। कैसे और उनका पीछा कौन कर रहा है वो तो आप मूवी में देखो, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी एक्शन सीन के साथ अगर इमोशनली कनेक्ट कर इनकी इमोशंस आपके दिल को छू जाए ना, तो भाई मूवी देखने में मजा बहुत आता है। ये मूवी एक्शन और इमोशंस दोनों को एक्सपीरियंस कराएगी। 2005 की एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ द प्रोटेक्टर। स्टोरी भाई एक एलिफेंट और एक लिटिल एलिफेंट पे बेस्ड है, जिन्हें किडनैप कर ऑस्ट्रेलिया पकड़ कर ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से वापस ढूंढ कर लाना है, पर इतना आसान नहीं। इसके पीछे बड़े बड़े एनिमल ट्रैफिकिंग जैसे गैंग का हाथ है, जिसे ढूंढना कोई आम बात नहीं। हमारे हीरो कैसे अपने एलिफेंट को ढूंढ कर लाते हैं, ये तो भाई आप मूवी में देखो। थाई मूवी है तो नो डाउट भाई इसके हैंड टू हैंड फाइट सीन एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलेंगी। मूवी 2005 की है तो थोड़ी इसके सिनेमेटोग्राफी वीक लग सकती है, पर इसके एक्शन सीन के साथ वो इंसानियत और जानवरों के बीच की इमोशंस आपको हिट करेगी। मूवी को टोनी झा के लिए एक ट्राई जरूर दीजिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 पे है मार्शल आर्ट किंग टोनी झा की एक और मूवी। इनकी सिर्फ एक्शन सीन ही काफी है भाई मूवी को पूरा देख जाने के लिए। 2015 की एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ किल जोन 2। स्टोरी जनरली फोकस्ड है भाई ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग पे, जहां एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर को थाई जेल में जबरदस्ती कैद कर दिया जाता है, जहां उन्हें ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में पता चलता है। कैसे वो पुलिस ऑफिसर उस जेल से निकलता है और ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे बड़े गैंग को पकड़ता है, वो तो भाई आप मूवी में देखो। मूवी में टोनी झा है तो भाई इसके एक्शन सीन पे बिल्कुल भी डॉट नहीं किया जा सकता, एकदम खतरनाक और तबाही टाइप देखने को मिलेंगी। मूवी को जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी भाई कमाल की सिनेमेटोग्राफी, साइफाई फैंटेसी एडवेंचर पे खतरनाक स्लो मोशन के साथ एक्शन मूवी देखने को मिल जाए ना तो भाई, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया हाईली बजट साइफाई एक्शन एडवेंचर के साथ रेबल मून पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर।
ऊर्जाबाजों को अलग अलग प्लेनेट से ढूंढकर मदर वर्ल्ड जैसी बड़ी ताकत जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड को जीत रखी है अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनके खिलाफ लड़ना है। क्या ये अपना अस्तित्व बचा पाएंगे, इसके लिए इंतजार रहेगा इसके सेकेंड पार्ट का। वन टाइम तो मूवी 100% मस्ट वॉच है, जरूर देखिएगा, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी, अगर आपने निंजा टर्टल की एनिमेटेड सीरीज देखी होगी तो ये लाइव एक्शन मूवी आपके लिए एक बार फिर से वो मिक्स साईफाई एक्शन वाली किक देगी। 2014 की एक्शन एडवेंचर के साथ टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल। स्टोरी भाई 4 ऐसे कछुए की है जिन्हें एक पागल साइंटिस्ट ने म्यूटेंट कर निंजा टर्टल में कन्वर्ट कर देता है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है और इंसानों से कई गुना ताकतवर है, जो धरती के नीचे छिपकर एक सुपर हीरो की तरह शहर को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या होगा जब ये लोगों के सामने आएंगे? आखिर इन्हें इस तरह से क्यों बनाया गया? क्या ये लोग सच में सुपर हीरो बन सकते हैं? वो तो भाई आप इस मूवी में देखो। बात करें मूवी की बेस्ट पार्ट की तो भाई इसके एक्शन से वो भी निंजा स्टाइल में देखने को मिलेंगे, एकदम तबाही टाइप। जरूर देखिए मूवी हिंदी डबिंग के साथ। नंबर 2 की मूवी, आप इसके सिर्फ हैंड टू हैंड फाइट सीन के लिए सीधा देख डालिए, बहुत ज्यादा तो नहीं पर जितनी है गजब की एक्सपीरियंस होगी। टेनेंट की एक्शन कॉमेडी के साथ एक्सीडेंट मैन हिटमैन हॉलीडे। इस फिल्म में अब तक 2 पार्ट रिलीज हो चुकी है, आज हम इसके सेकेंड पार्ट का रिव्यू करेंगे। मूवी का नाम जिस तरह से है मूवी की स्टोरी मिलती जुलती है। हमारे हीरो जो की एक प्रोफेशनल असैसिन है जिनका काम है पैसे लेकर किसी को भी मारना। मजे की बात तो ये है की हमारे हीरो जिस किसी को भी मारता है एक एक्सीडेंट की तरह मारता है जुगाड़ लगा। उनकी लाइफ टर्न तो तब लेती है जब उनके दोस्त को किडनैपर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने का काम देती है, जिसे मारने के लिए उनके पीछे एक से बढ़कर एक खूंखार और खतरनाक हथियारे पड़े हैं जिसे हमारे हीरो को बचाना है। उसके बाद जो इनके बीच फाइट सीन देखने को मिलेंगी ना, एकदम टॉप लेवल की। खासकर वायामी की एक्शन सीन भाई इतनी फास्ट फॉरवर्ड में था कि उनकी फाइट सीन स्लो कर देखना पड़ा। स्टोरी में दम तो नहीं है भाई, पर इसके एक्शन सीन के लिए आप देख डालो। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी, भाई से सिर्फ मूवी नहीं कह सकते यार, एक्शन सीन के साथ आपको भाई कई सारी बातें सीखने को मिलेंगी। मार्शल आर्ट के प्रति आपको वो डेडिकेशन देखने को मिलेंगी जिसमें एक या दो नहीं 2008 से टोटल 5 पार्ट रिलीज हो चुकी है और हर एक मूवी एक से बढ़कर एक। जी हाँ भाई, हम बात करें 2008 से 2019 तक टोटल 5 मूवी का कलेक्शन एक्शन स्पोर्ट ड्रामा के साथ आईपी मैन फिल्म सीरीज। ऐसी एक्शन मूवी में ना भाई स्टोरी में दम होना तो इमोशनली हिट करती है, ये मूवी उनमें से एक है। जरूर देखिए हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 1 पे एक्शन मूवी के दुनिया में भाई ये मूवी कोई ब्रांड से कम नहीं, सिर्फ नाम सुनकर ही भाई इनकी एक्शन सीन हमारी आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं उस फिल्म सीरीज के बारे में जिससे बचपन से देखते देखते बड़े हुए हैं, जिसके 5th पार्ट हाल ही में रिलीज किया गया 2023 की एक्शन एडवेंचर के साथ इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। स्टोरी भाई जनरली घूमती है एक ऐसी मिस्टीरियस डायल के इर्द गिर्द जिससे आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या किया जा सकता है, जिसे हमारे विलन को पाना है। अगर वो मिस्टीरियस डायल उनके हाथ पड़ी तो पूरी हिस्ट्री बदल सकती है, कैसे वो तो भाई आप इस एडवेंचरस मूवी में एक्सपीरियंस करें। मूवी की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट लगी भाई नो डॉट इसके एक्शन और इसके कॉन्सेप्ट पहले थोड़ी बाकी मूवी से अलग। और बड़ी बात फर्स्ट पार्ट में भाई हैरिसन फोर्ड एज अ इंडियाना जोन्स, जो कि भाई आज 81 साल के हैं और आज भी वही हौसले और जुनून के साथ एक्शन सीन काबिले तारीफ। ऐसी मास्टरपीस मूवी को मिस ना करें हिंदी डबिंग के साथ। और आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं।